आप स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है, देन ये वीडियो आपके लिए है। आलयम फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2024 लेकर आया है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। ये स्कॉलरशिप सभी जेंडर, सभी कैटेगरी और सभी कोर्सेज के लिए ओपन है। इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये स्कॉलरशिप रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आलयम फाउंडेशन इज ऑन अ मिशन टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स बाय फैसिलिटेटिंग क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। टू बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज एक्सक्लूसिवली ओपन फॉर ऑल जेंडर्स, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कोई भी कोर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप कोई भी कोर्स को पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है, टू ओवरकम विद ऑल दोस प्रॉब्लम्स एंड कंटिन्यू विद हीज और हर स्टडीज, दिस प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। आलयम फाउंडेशन स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक ऑन दैट लिंक एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको सभी मैंडेटरी फील्ड्स को फिल करना है, जिसके ऊपर स्टार है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको विदाउट फेल फिल करना पड़ेगा। अटैच योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पे सेक्शन ए है जो रेफरल है, अगर आपके पास किसी का रेफरेंस है तो आप उनका इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप करके पार्ट बी पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन मतलब आपका इन्फॉर्मेशन फिल आउट करना है, लाइक योर फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अभी आपको प्रोवाइड करना होगा आपके एजुकेशन डिटेल्स जो आप करेंटली पढ़ाई कर रहे हो, लाइक नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, लाइक कोर्स और द डिग्री यू आर परसुइंग, देन सेमेस्टर इफ एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया है, ये स्कॉलरशिप स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सेमेस्टर शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, बट अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हो तो तभी आपको सेमेस्टर एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो बेस्ड ऑन दैट आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। देन आपको लिखना होगा आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एड्रेस प्लस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। देन आपको प्रोवाइड करना होगा आपके पास्ट एजुकेशन डिटेल्स, मतलब आप समझो कि अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो तो आपको आपके इंटरमीडिएट या क्लास 11 एंड 12 की डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा, दैट इज कोर्स यू हैव स्टडीड इन, मतलब आपका प्रीवियस एकेडमिक ईयर का कोर्स क्या था। देन उसके इंस्टीट्यूशन का डिटेल्स लाइक एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्लस आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर में क्या मार्क्स मिले थे और क्या ग्रेड्स मिला था और आप कौन से ईयर में आपका प्रीवियस एकेडमिक ईयर को कंप्लीट किए थे। ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की नेक्स्ट फेज को जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, सो दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू गाइज। नेक्स्ट डिटेल आपको प्रोवाइड करना है अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ पे आपको आपका फादर का नेम, ऑक्यूपेशन, मदर का नेम, ऑक्यूपेशन, आपका फैमिली इनकम क्या है, मतलब एनुअल फैमिली इनकम को आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 25,000 पर मंथ और 3 लाख पर एनम, ऐसे मेंशन कर सकते हो। देन आपको प्रोवाइड करना है डिटेल्स कि आपके भाई कितने हैं और आपके बहन कितने हैं, इन नंबर्स आप मेंशन कर सकते हो। अदर देन योर पेरेंट्स, आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस को कोई और टेक केयर कर रहा है दैट एज योर गार्डियन, देन उनका डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए गार्डियन नेम और ऑक्यूपेशन को। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्कॉलरशिप। फॉर एग्जाम्पल वाई डू यू नीड दिस स्कॉलरशिप, मतलब आपको वहाँ पे रीजन लिखना होगा कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, वॉट इज द यूज यू आर गोइंग टू मेक ऑफ दिस स्कॉलरशिप। वहाँ पे आप क्लियरली 2-3 सेंटेंसेस में लिख सकते हो। देन वॉट इज द टोटल फीस यू हैव, मतलब आपके कॉलेज या स्कूल की फीस क्या है वो मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फीस है 25,000 रुपीज। देन आता है आपको टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड क्या है, मतलब 25,000 मेरा फीस है एंड 5,000 मैं मैनेज कर सकती हूँ, 20,000 की मुझे जरूरत है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप को आपको विन करने के लिए ये सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना बिल्कुल मैंडेटरी है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्किप नहीं कर सकते हो। एंड ये स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी विन कर रहा है तो ना ही कि स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी के नेम पे आएगा, ना ही कि उनके पेरेंट्स के नेम पे आएगा, ना ही कि कोई इंडिविजुअल के नेम पे आएगा, तो मेक श्योर यहाँ पे ये स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपके स्कूल या कॉलेज के नेम को ही आएगा।
तो स्कॉलरशिप बिल्कुल भी स्कूल या कॉलेज के नेम पे ही रहेगा, तो पेई का नेम और एड्रेस बिल्कुल मेंशन कीजिए। अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप आपके इंस्टीट्यूशन को कंसल्ट करके एक्चुअल नेम वहां पे मेंशन कर सकते हो। और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको मेंशन करना होगा कि आपकी फीस का लास्ट डेट क्या है, दैट इज ड्यू डेट, यू नीड टू मेंशन ओवर देयर। सभी इंफॉर्मेशन को फिल आउट करने के बाद अभी आता है नेक्स्ट फेज, दैट इज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू अटैच। यहाँ पे दो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एक फैमिली का और बेनिफिशियरी मतलब स्टूडेंट का। फर्स्ट विल गो विद अ फैमिली की, जहां पे आपको रेशन कार्ड अटैच करना होगा, देन आपके फैमिली की इनकम प्रूफ या इनकम सर्टिफिकेट, दैट कैन बी ईदर अ सैलरी स्लिप, वाउचर और आईटीआर कॉपीज। देन आता है लास्ट टू मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियरी और द फैमिली मेंबर, वो मैंडेटरी नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली एन ऑप्शनल फॉर्म। देन नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना है टू आइडेंटिफिकेशन फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली, वन आपका रहेगा दैट इज बेनिफिशियरी, दूसरा रहेगा आपका मदर का या फादर का या गार्डियन का, जहां पे आपको ईदर आपका वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड एज अ प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बेनिफिशियरी की डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने का, जहाँ पे आप अपना क्लास 10th या 12th के मार्कशीट्स को अटैच कर सकते हो या प्रीवियस सेमेस्टर या एकेडमिक्स की मार्कशीट को अटैच कर सकते हो। अगर आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में परस्यू कर रहे हो तो आपका फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट भी अटैच कर सकते हो। देन आपको प्रोवाइड करना होगा आपकी कॉलेज की आईडी प्रूफ एंड बोनोफाइड सर्टिफिकेट। बोनोफाइड सर्टिफिकेट बहुत सिंपल रहता है, जहाँ पे आप स्पेसिफिक स्कूल या इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट रहता है, वो आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो। देन यू नीड टू प्रोवाइड द फी स्ट्रक्चर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, जो आप करंट एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करना होगा। देन आता है कोई और अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर है तो आप उसको अटैच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिकल डिसेबिलिटी से गो थ्रू कर रहे हो तो आप उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हो एज अ प्रूफ, नहीं तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके वहां पे कोई सर्टिफिकेट्स या अवार्ड को विन किए हो तो उसके सर्टिफिकेट्स भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। बट मेक श्योर जितने भी स्टार यानी कि मैंडेटरी फील्ड्स या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अटैच करना ही होगा। देन आपको प्रोवाइड करना होगा रेफरेंस ऑफ अ कॉलेज और द स्कूल एडमिन और एचओडी, उनकी डिटेल्स मतलब उनका नेम, फोन नंबर और डेसिग्नेशन। मे बी आलएम फाउंडेशन विल यूज दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आता है सेल्फ डिक्लेरेशन, जहाँ पे फ्यू पॉइंट्स है, अच्छे से उनको पढ़ लो। दैट बेसिकली डिफाइंस कि अभी तक आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सभी करेक्ट है एंड देर इज नो फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन दैट। आफ्टर दैट आपको सिग्नेचर करना है, डेट मेंशन करना है। देन आपको ये सभी एप्लीकेशन एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को मेंशन्ड ईमेल आईडी को सेंड करना है। वंस आलएम फाउंडेशन विल रिसीव योर एप्लीकेशन, दे विल कॉन्टैक्ट यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड टिल नेक्स्ट टाइम।